अब दो टॉपिक बचा है मेनली, एक तो ये टैक्स इनवॉइस वाला पार्ट और एक आपका बचा है यानी ई वे बिल वाला पार्ट, और एक आपका बचा है जीएसटी रिटर्न और पेमेंट वाला पार्ट। तो दो छोटे छोटे टॉपिक ये है, ज्यादा खास यहाँ डिटेलिंग याद रखने का जरूरत भी नहीं है, वैसे कुछ एक डेट्स है टाइम पीरियड मतलब वो याद रखने का, बाकी ठीक है। इस पार्ट से आपके उतना लंबा क्वेश्चंस भी नहीं आता। तो पहला बात बोला जीएसटी में, आपको एक बात पता ही है कि आपको टैक्स का इनवॉइस रेडी करना पड़ता है, मतलब जीएसटी का बिलिंग ऐसा होना चाहिए जहां पूरा डिटेलिंग हो, तो ये एक टाइप का प्रूफ है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज भी होता है, और आप बाद में उसी के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करके फाइन पेनल्टी भी लगता है, सब कुछ होता है। अब बात आता है यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है क्या, तो जब आप गुड्स बेचते हो तो इसका डेट टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। टॉस यानी टाइम ऑफ सप्लाई, किस किस मंथ में माने कि तुम्हारा सप्लाई माना जाए, किस मंथ में। तो यहाँ पे ई वे बिल का बात तो बाद में करेंगे, पहले टैक्स इनवॉइस और उसका टाइम ऑफ सप्लाई का बात करें। तो अगर ये गुड्स का बात हो रहा है और गुड्स का टैक्स इनवॉइस कब इश्यू हो जाना चाहिए, तो यहां पे क्या बोला, जब गुड्स का मूवमेंट अगर होगा मतलब मेरे यहां से निकल के आपके यहां जाएगा, तो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर टाइम टू बी द रिसिपिएंट, जब गुड्स मेरे यहां से रिमूव हो रहा उस समय बिल बन जाना चाहिए। पॉइंट क्लियर। अगर गुड्स का मेरे यहां से मूवमेंट हो रहा है तो फिर जब गुड्स रिमूव हो रहा है उस समय बिल बन जाना चाहिए, लेकिन अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जब आपको डिलीवरी हो रहा है उसी टाइम बिल बन जाना चाहिए, इनवॉइस बन जाना चाहिए। दो एग्जांपल देते हैं, आप आए, आप बोले मेरे फैक्ट्री में आकर कि हमको इसका 1 लाख पीस बना के दे दो, हम बोला अच्छा ठीक है, और बोले बना के मेरे गोडाउन भेज देना, मेरा गोडाउन है हम वहां से गुड्स बना के आपके गोडाउन भेजेगा, तो यहां पे गुड्स का मूवमेंट होगा ना, फिजिकल मूवमेंट। तो जब मूवमेंट होगा उस समय गुड्स का बिल बनना जरूरी है, उसके पहले ऑन और बिफोर दैट, ऑन और बिफोर दैट, या तो उसके ठीक पहले बन जाए या निकलते वक्त बने। लेकिन मान लो आप मेरे गोडाउन में आके खुद ही माल लेके जा रहे हो, तो फिर जब आपको डिलीवरी दे रहे हैं उस समय, कई बार क्या होता है, मान लो एक बहुत बड़ा मान लो एक बिल्डिंग है, मान लो एक बिल्डिंग है और हम आपको वहां पे जो वाटर पंपिंग होता है ना मशीन, वो भाड़े पे दे रखा है, 1 साल हो गया आपके पास भाड़े पे है। अब आप बोले हम खरीद ही लेते हैं इसको, तो आप वो मशीन खरीद लिए, यहां पे फिजिकल मूवमेंट तो हुआ ही नहीं ना, गुड्स का मूवमेंट हुआ गुड्स का यहाँ पे, गुड्स मशीन तो जहां लगा वही रह गया, लेकिन यहां जब डिलीवरी हुआ तब बिल बन जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, वैसे कभी कभी होता है ना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब हम आपको 8-10 पीस देंगे, फिर हफ्ता भर बाद आप फिर ऑर्डर करोगे, फिर 15-20 पीस देंगे, फिर जब मतलब हम आपको लगातार सप्लाई देते रहेंगे, उस केस में तो सर बिलिंग एक बार ही बनता है, तो फिर कैसे होगा, जब जब स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई बने इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर, इनवॉइस कब बन जाना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट इज इशूड, एक स्टेटमेंट बनता है, जब जब हम आपको पेमेंट करेगा अब तक कितना माल चला गया उसका एक स्टेटमेंट बनता है, और उस स्टेटमेंट को देख के पेमेंट होता है, उस समय बिल बन जाना चाहिए। तो जब स्टेटमेंट प्रिपेयर हो तब बिल बन जाना चाहिए। अगर गुड्स आपको हम सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया, मतलब सेल और अप्रूवल आप जानते ही हो, आपको हम सामान दिए आपको उस दिन के अंदर हमको बता देना आप रखोगे या नहीं, तो जब आप अप्रूवल दोगे तभी मानेंगे कि आप गुड्स रख रहे हो, तभी सेल माना जाएगा, या फिर वो टाइम पूरा हो गया और आप नहीं ना हाँ बोले ना ना बोले तब भी हम मान लेंगे आप रख ली। तो यहां पर सिंपल बात बोला, जब आप अप्रूवल दोगे तब बिल बन जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल केस क्या बोला, जब आप अप्रूवल दोगे तब बिल बन जाना चाहिए, लेकिन सर कभी कभी होता है कि हम अप्रूवल देने के लिए आपको 10 महीने का टाइम दिए, सर इतना लंबा कोई देता नहीं है, इतना लंबा कौन टाइम देता है 10 महीना, बट फिर भी अगर यहां बोले अगर ऐसा हो तो क्या बोला, इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, आप जब हाँ बोलो या 6 महीना जिस दिन मेरे यहां से कुछ आपके यहां गया, दोनों में विच एवर इज अर्लियर बिल बन जाना चाहिए।
बात क्लियर है? यस सर। अब होता है सर, यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई का बात क्या आया बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में रूल बोलता है नॉर्मल केस ऑफ गुड्स, बिल जब बन जाना चाहिए या बिल जब बन गया, विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। बिल जब बन जाना चाहिए था मतलब जो भी पड़े, किया तो रिमूवल के टाइम में अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो, और नहीं तो फिर डिलीवरी के टाइम पे, कंटिन्यूस सप्लाई के केस में स्टेटमेंट के टाइम पे, और सेंड एन अप्रूवल के केस में जब आप अप्रूवल दिए या 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। इस पे बिल बन जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या बोला, बिल जब बना विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। जैसे एक एग्जांपल दिया, बिल बना 15 नवंबर को बट बन जाना चाहिए था 10 अक्टूबर को, दोनों में अर्लियर कौन? बना 15 नवंबर को, बन जाना चाहिए था 10 अक्टूबर को ही, जो भी रूल पड़े उसके हिसाब से 10 अक्टूबर को बिल बन जाना चाहिए था, बट हम बिलिंग किया 15 नवंबर का, दोनों में अर्लियर 10 अक्टूबर है। गवर्नमेंट बोलता है अक्टूबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, यानी नवंबर में जब आप जीएसटी का रिटर्न लगाओ तब आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। नवंबर को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे तब दिसंबर में आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अक्टूबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा 10 अक्टूबर, और उसी हिसाब से आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक है, मेरा बात समझ में आया गुड्स के केस में? यस सर। चंद्र लेगा? हाँ सर। ठीक है, अब आ जाओ सर्विस का केस। तो सर्विस में भी जनरली क्या बोला, देखो बोला बिल कब बन जाना चाहिए। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई का रूल उसकी तरह बाद में बताएगा, पहले हम बोला बिल कब बन जाना चाहिए था। विद इन नॉर्मल केस में बोला है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। हम आपको पढ़ा रहे आज इस महीना में, मान लो हम आपको पढ़ा रहे, मन चल रहा अक्टूबर, 31 अक्टूबर से 30 दिन जोड़ो, 30 नवंबर इसके अंदर अंदर बिल बन जाना चाहिए, और अगर आप बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या NBFC हो तो 45 दिन के अंदर बिल बन जाना चाहिए। तो सर्विस सप्लाई के 30 दिन के अंदर बिल बन जाना चाहिए, नॉर्मल बैंकिंग हो तो, बैंकिंग इंश्योरेंस NBFC हो तो 45 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, इन केस वेयर द सप्लाई एंड सर्विस सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई कंप्लीट होने के बाद बोला ना 30 दिन, ऊपर क्या बोला जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो गया, 31 अक्टूबर को मेरा सर्विस कंप्लीट होगा। हम आपको मंथली मंथली फीस ले रहे हैं मान लो, तो 31 अक्टूबर को मेरा सर्विस कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद 30 नवंबर के अंदर बिल बन जाना चाहिए। लेकिन मान लो अचानक हम 20 अक्टूबर को ही पढ़ाना रोक दिया, तो फिर वहां से वहां तक क्या होगा? तब बोला एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, जहां सप्लाई रोक दिया वहीं बिल बन जाना चाहिए, मतलब 20 अक्टूबर को बिल बन जाना चाहिए, वहां से 30 दिन का टाइम नहीं दे रहे। नॉर्मल केस जहां सप्लाई सीज नहीं हो रहा, कंप्लीट हो रहा है, वहां पर 30 डेज या 45 डेज करो। 30 डेज नॉर्मल के लिए, बैंकिंग NBFC और इंश्योरेंस के लिए 45 डेज करो। लेकिन जहां सप्लाई बीच में अचानक सीज हो रहा है, वहां जब सप्लाई सीज हो रहा है तभी बिल बन जाना चाहिए। अगर यही कंटिन्यूस सप्लाई है सर, जैसे आपका हम बोला कि हम आपको एक बार में फीस लेगा, हम आपको हर महीना पढ़ाया जा रहा है, तो अगर डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है कि कब पेमेंट होगा, तो बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बिल बन जाना चाहिए, और अगर डेट ऑफ पेमेंट भी असर्टेनेबल नहीं है तो बिफोर ऑल द टाइम व्हेन द सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, जब हमको पैसा मिलेगा उसके पहले बिल बन जाना चाहिए। तो अब तक क्या क्या पढ़ लिया सर? नॉर्मल केस में 30 दिन या 45 दिन में बिल बन जाना चाहिए, सप्लाई बीच में रुक जाए सर्विस का तो जिस दिन रुक गया उस दिन बिल बन जाना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है और पेमेंट का डेट असर्टेनेबल है तो बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बिल बन जाना चाहिए, पेमेंट का डेट अगर असर्टेनेबल नहीं है तो जिस दिन पैसा मिले बिफोर और एट द टाइम उस टाइम बिल बन जाना चाहिए, और अगर पेमेंट इसी बात से लिंक है कि जिस दिन काम कंप्लीट होगा सर्विस कंप्लीट होगा उस दिन पेमेंट मिलेगा,
तो फिर जिस दिन सर्विस कंप्लीट हो उसके पहले पहले बिल बन जाना चाहिए। बात क्लियर है? हाँ सर। इन केस ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विस मेकिंग टैक्सेबल सर्विस ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन याद ही है, अपना ही ब्रांच, अपना ही बिजनेस का दूसरा डिपार्टमेंट, तो बिफोर और द टाइम सच सप्लाई इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप सेम बिजनेस एंटिटी अपने ब्रांच को सर्विस दे रहे हो तो सर्विस रिसिपिएंट जिस दिन बुक में एंट्री कर ले रहे हैं उसके पहले पहले बिल बन जाना चाहिए। यहां तक का बात क्लियर है? यस सर। अब आ जाए सर्विस के केस में सब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा फिर? तो अब सुन लो, अगर बिल टाइमली बना है, ऊपर वाला जो पॉइंट्स बताया है उसके हिसाब से बिल बन गए, मतलब इनवॉइस एज पर टाइम अगर हो गया तो फिर पेमेंट और इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर रूल है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब बिल बना, अगर बिल टाइमली बना है तो बिल जब बना या पैसा जब मिला, विच एवर इज अर्लियर का रूल है। लेकिन अगर बिल ऑन टाइम नहीं है, ऊपर जो अभी डेट्स बताया उससे लेट है बिलिंग, इफ बिल इज नॉट ऑन टाइम तब क्या होगा? पेमेंट और कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखो गुड्स के केस में बिल कब बन जाना चाहिए उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि जनरली वही यही हो रहा है कि गुड्स जब मिल रहा है उसके पहले बिल बन जाए। खाली एक सेल एंड अप्रूवल को अगर आप छोड़ दो, सेल एंड अप्रूवल को छोड़ दो और कंटिन्यू सप्लाई को छोड़ दो, तो नॉर्मली बिल गुड जब मिल रहा है तब बिल बन जाना चाहिए। तो वहां पे पेमेंट का कोई कंडीशन भी नहीं था, मतलब गुड्स में एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि गुड्स को कहीं भी बोला था पेमेंट रिसीप पे बिलिंग बनेगा, पेमेंट रिसीप पे जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, नहीं, हम वहां बोला था बिल जब बन जाना चाहिए या बिल जब बना, विच एवर इज अर्लियर, बिल जब बन जाना चाहिए या बिल जब बना, विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म गुड्स के केस में। लेकिन सर्विस के केस में क्या बोल रहा है? अगर बिल टाइमली बना तो पैसा मिला या बिल जब बना, विच एवर इज अर्लियर, और अगर बिल टाइमली नहीं बना एज पर ऊपर का डेट तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, यानी एडवांस पेमेंट पे सर्विस के केस में जीएसटी है। हम आपको पढ़ा के कंप्लीट करेंगे 31 अक्टूबर को, आप मेरे को फीस दे दिए 5 अक्टूबर को ही, कौन सा डेट अर्लियर हुआ? बिल कब? बिल बनाना टाइमली बन गया, हम 31 अक्टूबर को बिल भी बना दिया, तो जब सर्विस कंप्लीट हुआ उसके टाइम पे हम बिल बना दिया, यानी हम ऑन टाइम बिलिंग पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 5 अक्टूबर को यार पैसा दे दिए थे और 31 अक्टूबर को बिल बना, सर्विस भी उसी दिन कंप्लीट हुआ भी उसी दिन बना, तो दोनों में अर्लियर कौन? 5 अक्टूबर, यानी एडवांस पेमेंट पे जीएसटी लग जा रहा है। समझ में आया मेरा बात? सर्विस के केस में पेमेंट अगर पहले मिला है तो भी जीएसटी लग जा रहा है, लेकिन गुड्स के केस में, अब एक बहुत मजेदार बात बताते हैं सर, गुड्स के केस में पेमेंट का कोई रूल नहीं था, रूल तो था बेटा कि एडवांस पेमेंट पे गुड्स पे भी जीएसटी होना चाहिए, लेकिन इसको हटा लिया गया और बोला गुड्स के केस में जब गुड्स मिला या जब बिल बना, विच एवर इज अर्लियर पे जीएसटी लगे, लेकिन सर्विस के केस में ये रूल है। ठीक है? हाँ सर। एक मस्त पॉइंट बोला, अच्छा एक छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना जो आपको कभी 50 रुपया का सामान बेच रहे हैं, कभी 20 रुपया का, कभी 30 रुपया का, खुदरा एकदम छोटा खुदरा, वो आपको बिल देते हैं क्या? कोई मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बढ़ाना खत्म हो गया, मिल ली, अभी खाली आरसीएम बचा है, टाइम ऑफ सप्लाई का आरसीएम का केस बचेगा, वो अभी 5 मिनट में पढ़ाएगा, आगे आगे आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई मेनली बताना हो गया, बड़ा टॉपिक खत्म, अब ज्ञान बाजी है केवल। तो बोलो
जनरली ऐसा देखे हो ना दुकानदारों में, आप एक दुकान में गए भैया 20 रुपया का ये दे दो, 50 रुपया का वो दे दो, कोई बिल बना के देता है क्या आपको? नहीं सर। नहीं, उनके केस में फिर बिलिंग कैसे हो? वहां बोला गया अगर कोई गुड सप्लाई 200 रुपए से कम का है तो दुकानदार पूरे दिन में वैसा जितना माल बेचा है एंड ऑफ द डे उसका एक बिल बना दे। आई रिपीट, दुकानदार पूरे दिन में जो टुकड़ा टुकड़ा का माल बेचा है उसका भी उसको बिल बनाना पड़ेगा। वो कहीं लिख के रखेगा पूरा दिन में टुकड़ा टुकड़ा का माल कितना बेचा और एंड ऑफ द डे बिलिंग बना देगा। और सर 200 रुपए से ऊपर का सामान बेचा और बिल नहीं बनाया तो एंड ऑफ द डे उसका सेपरेट बिल बनाएगा वो। बात क्लियर है? ईच डे के एंड में वो उसका एक कंसोलिडेटेड बिल बना देगा, एक कंबाइंड बिल। मतलब बिल तो बनाना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा उसको, आपको दिया या नहीं दिया। दवाई के दुकान में जाते हो तो ना भैया ये दवाई दे दो, तो आपको दवाई दे देता है। कुछ कुछ दुकानदार होते हैं जो बड़ा पेमेंट पे बिल बना के देते हैं, छोटा छोटा दवाई लेने गए आप 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये वो आपको बिल ही नहीं बना के दिया, आप दवाई लिए और आ गए। वो अपने खाते में लिख लेते हैं, लेकिन ये दवाई गया ये दवाई गया देखे होंगे गौर करके, कॉपी बना के रखता है। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको उसकी बिलिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लूडिंग जीएसटी आप पे करके आए हो। मान लो पूरा दिन में 10,000 का दवाई बिका और दवाई पे मान लो एक बार 5% जीएसटी है तो 10,000 बाई 105 × 5 करके उसका जीएसटी निकाल के रिटर्न फाइलिंग में दिखाएगा। समझ में आया मेरा बात? हाँ सर। अच्छा एक और टॉपिक है सर, हम जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन नहीं था, मतलब मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था, बिल नहीं बना रहा था, टैक्स इनवॉइस नहीं बना रहा था, नॉर्मल बिल बना दे रहा था ऐसे कागज पे लिखने वाला, पूरा टैक्स इनवॉइस का जो रूल है फॉलो नहीं कर रहा था। होता है? हाँ सर होता है। लेकिन अब मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया और रजिस्ट्रेशन लेने में तो 1 महीने का टाइम लगेगा ना, 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का रूल है, 30 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है मिल ली। तो बेटा जी वो कच्चा बिल भले ही बना के रखो, मान लो आज मेरे ऊपर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो गया, मिलते मिलते हमको 20 दिन लग गया, तो ये 20 दिन का जितना माल बेचे हैं बाद में उसका टैक्स इनवॉइस बना के रखना पड़ेगा। समझ में आया बात? और जो जीएसटी पार्टी से लिया वो जमा करना पड़ेगा। समझ में आया? ये बात भी थोड़ा सा छोटा सा काम का बात है एमसीक्यू के लिए। सर जिनका नॉर्मल टैक्स इनवॉइस नहीं होता उनका क्या बिल होता है? उनका वही बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं उसको। उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ दो, काम का बात नहीं बोले। सर कोई सा एडवांस पैसा मिलता है तो क्या बनाते हैं? वाउचर, रिसिप्ट वाउचर बनाते हैं और वो एविडेंस होगा पेमेंट का। अगर सर्विस का केस है तो उस रिसिप्ट वाउचर के हिसाब से जीएसटी जमा करेंगे, गुड्स का केस है तो एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं जमा करेंगे सर। ठीक है? कई बार होता है ना कि आपको एडवांस पेमेंट जो मिला बाद में रिफंड करना पड़े तो उसका एक रिफंड वाउचर बनाना पड़ेगा फिर, ताकि जीएसटी देना नहीं पड़े। मान लो आप हमको एडवांस पेमेंट दी दिए सर्विस के लिए, अब हम आपको सर्विस जब आपको एडवांस पेमेंट लिया आपसे तो हमें वाउचर बनाया उस हिसाब से जीएसटी जमा किया, क्योंकि सर्विस के एडवांस पेमेंट पे जीएसटी है ना, सर्विस के एडवांस पेमेंट पे जीएसटी है। लेकिन अब क्या हुआ, हम आपको सर्विस दे नहीं पाया तो ये पैसा हम आपको लौटा देगा, बट हम तो जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी शो कर दिए, जमा कर दिया एडवांस पेमेंट पे। मान लो अचानक 2 महीना बाद, हम आपको बोला था आज 30 दिन तो 2 महीना बाद क्लास चालू कर देंगे, आप बोले ठीक है सर, हम तो पैसा आज ही ले लिया। मान लो आज डेट है 28 अक्टूबर, हम आपको बोला हम दिसंबर के 1 जनवरी से क्लास चालू कर देगा, तो आज पैसा दे दिया हमको तो जीएसटी जमा करना पड़ेगा ना एडवांस पेमेंट पे सर्विस के केस में, अभी पड़े पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक बात? लेकिन सर अब आप तो सर्विस दे नहीं पाए मान लो, तो आपको ये पैसा तो हम वापस देंगे बट आप जीएसटी तो जमा कर दिए उसका क्या होगा? कोई नहीं, हम रिफंड वाउचर क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से जीएसटी को कैंसिल करवाएंगे। ठीक बात जी सर। अच्छा सर आरसीएम के केस में इनवॉइस कैसे बनेगा, क्योंकि जो सर्विस दे रहा है वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो देखो क्या बोला, रजिस्टर्ड पर्सन
हु इज लाइबल टू पे टैक्स शैल इशू एन इनवॉइस, मतलब सर्विस रिसिपिएंट बिल बना के दे दो आरसीएन में, ठीक है सर। डिजिटल पेमेंट का प्रूफ वो तो ऑनलाइन पेमेंट में मिल ही जाता है, उसमें भी जीएसटी कटता है, कुछ पॉइंट नहीं है पढ़ने के लिए। अच्छा सर हम जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, हम जीएसटी कलेक्ट कर लें तो क्या होगा, या जब तक काटना तो उससे ज्यादा जीएसटी काट लिए तो क्या होगा, या तो पार्टी को ढूंढ के पैसा वापस करो या फिर गवर्नमेंट को जमा करो, आप उसको अनऑथराइज हो आप अपने पास रखने के लिए। काटना था 12% जीएसटी, हम काट लिया 18%, अब या तो पार्टी को ढूंढ के 6% पैसा वापस करो और नहीं तो गवर्नमेंट को पूरा 18 जमा कर दो, आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, अनऑथराइज हो जाओगे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है जानते हो, एनी आइडिया? सर सेल एंड परचेज का बिल्स जो होता है, मतलब सर मतलब जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को देते हैं सेल एंड परचेज के टाइम। बेटा वो तो नॉर्मल इनवॉइस है, उसको तो या तो बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे अगर जीएसटी का रूल पे नहीं आ रहा है तो, और जीएसटी के रूल में आ रहा है तो टैक्स इनवॉइस बोलेंगे उसको, तो इनवॉइस हो गया ना बेटा, सेल परचेज पे जो बिल देते हैं। बेटा कभी कभी क्या होता है ना, मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं सुनो, माल वापस करें, गुड्स अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, हम कौन है बायर, तो हम डेबिट नोट देगा और मेरा सेलर मेरे को क्रेडिट नोट देगा, तो रिटर्न रिटर्न होता है ना गुड्स का, तो वहां पर भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ तो चाहिए, तो बायर डेबिट नोट रेज करता है, सेलर क्रेडिट नोट रेज करता है, ठीक है समझ में आया ये पॉइंट। अब एक और केस है जब क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू होता है, मान लो सेलर आपसे कम जीएसटी ले लिया, लेना था मेरे को आपसे जीएसटी 18%, गुड्स का दाम 1000 रुपये, दो केस सुनना मजेदार, गुड्स का दाम 1000 रुपये, लेना था 18% जीएसटी, हम ले लिया 12% जीएसटी, कैसा था, हम 120 रुपये ले लिया आपसे जबकि लेना था 180 रुपये। अब हम आपको कॉल करके बोला अगर हम आपको जानते हैं तो, कि देखो अंकिता हम आपको 60 रुपये कम जीएसटी ले लिया, तो आप बोले कोई नहीं ले लो, और अब ये 60 रुपये का जीएसटी का तो अलग से एक डॉक्यूमेंट बनेगा ना, उसको भी बोलते हैं क्रेडिट नोट, जो सेलर देगा वो डॉक्यूमेंट। सर आप गुड्स का दाम था 1200 रुपया, आप गलती से 1000 रुपया ले लिए और 1200 रुपये जीएसटी ले लिया 18%, जबकि आपको सॉरी 1000 रुपये जीएसटी ले लिया 18%, जबकि आपको 1200 रुपये 18% लेना था। हम आपको कॉन्टेक्ट किया, भाई 200 रुपये हम गुड्स का भी कम ले लिए, जीएसटी भी कम ले लिए तुमसे, आप बोले कोई नहीं ले लो, तो सर ये गुड्स का जो दाम लेंगे आपसे हम और एक्स्ट्रा जीएसटी भी लेंगे, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट 3 केस में इशू होता है, सेलर जब बेचा हुआ माल वापस ले रहा है, कैंसिलेशन ऑफ गुड्स या सर्विस कर रहा है मतलब, तो क्रेडिट नोट देगा आपको, अगर ज्यादा जीएसटी कम जीएसटी ले लिया और जीएसटी ले रहा है तो भी क्रेडिट नोट इशू करेगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जीएसटी बताने के लिए, और अगर कम ले लिया गुड्स का दाम और दाम ले रहा है तो भी इशू करेगा क्रेडिट नोट। बात क्लियर है? यस सर। सर कब तक इशू कर पाएगा बेटा, अगला फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर तक, मेरा फाइनेंशियल ईयर मान लो 23-24 है, 24 मार्च 2000 को मेरा ईयर खत्म हो रहा है, 30 नवंबर तक मेरे पास ऑप्शन है उस पुराने कोई भी बिल के लिए जीएसटी इनवॉइस इशू करने का, क्रेडिट नोट इशू करने का सर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ये टॉपिक क्या है? हाँ ठीक है, जैसा यहाँ पे एक और क्रेडिट नोट एक और केस में इशू होता है सर, आपको बाद में आप डिस्काउंट दे रहे हो, होता है ना कई बार, पहले डिस्काउंट का बात नहीं था बट बाद में डिस्काउंट दे रहे हैं तो भी क्रेडिट नोट इशू होता है। तो सर सीधा सा बात है, गुड्स का दाम बाद में बदल रहा है, जीएसटी का अमाउंट बाद में बदल रहा है, तो उसका कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होना पड़ेगा ना, वही है क्रेडिट नोट डेबिट, सेलर क्रेडिट नोट देता है बायर डेबिट नोट देता है, सर बायर क्यों देगा डॉक्यूमेंट,
बेटा अगर बाहर में जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसको भी प्रूफ चाहिए हो, अगर बाहर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं तो खाली सैलरी आपको डॉक्यूमेंट देगा। बात क्लियर है? अब आया सर ये टैक्स इनवॉइस बहुत देर से आप चिल्ला रहे हैं, क्या है क्या ये? बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट बताता है कि बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा तो वो टैक्स इनवॉइस बन जाएगा, वरना नॉर्मल बिल ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अनरजिस्टर्ड सेलर जब भी कोई बिल बनाएगा वो नॉर्मल बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा, लेकिन एक रजिस्टर्ड सेलर जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है वो जब भी बिल बनाएगा प्रॉपर जीएसटी रजिस्टर्ड इनवॉइस बनाएगा, टैक्स इनवॉइस एज पर डिपार्टमेंट जो बताया हुआ है। सर कुछ नहीं है, अपना नाम पार्टी का नाम, अपना जीएसटी नंबर पार्टी का जीएसटी नंबर, अपना स्टेट पार्टी का स्टेट, अपना एड्रेस पार्टी का पूरा एड्रेस, अपना बिल का प्रॉपर नंबरिंग, सर बिल में पूरा जीएसटी का ब्रेकअप, एचएसएन कोड प्रोडक्ट का, कोड का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का कोड होता है एचएसएन, वो भी, तो ये सब डिटेल वो बिल में शो करे। तो देखो नेम एड्रेस गुड्स क्या है सर्विस क्या है, वो गुड्स एंड सर्विस का भी एक नंबर होता है टैक्स डिपार्टमेंट में, उसका नंबर मतलब वही एचएसएन कोड, आपका जीएसटी नंबर पार्टी का जीएसटी नंबर, दोनों का प्रॉपर एड्रेस, अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू दे रहा है तो ट्रांसपोर्टर का डिटेल, एचएसएन कोड का बात हम पहले भी बोल दिया दोबारा लिखा है यहां पे, सर हर टाइप का डिटेलिंग का बात हो, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी, हाँ सॉरी ये बोलना भूल गए थे, पर यूनिट का रेट और फिर टोटल अमाउंट का कॉलम, कितना पहले टैक्सेबल वैल्यू बन रहा है उस पर डिस्काउंट माइनस फिर जीएसटी का वैल्यू, सब पूरा ब्रेकअप के साथ, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माल जा रहा है, कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता से बैंगलोर जा रहा है, कहाँ जा रहा है माल, सिग्नेचर प्रॉपर पार्टी का, अगर आरसीएम लग रहा है तो प्रॉपर आरसीएम का इंफॉर्मेशन, अगर कोई रेफरेंस नंबर देना है इनवॉइस का तो वो, मतलब बिल नंबर प्रॉपरली होना चाहिए, वो सब सीरियल नंबर मतलब बिल का, तो ये सब चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए तभी उसको टैक्स इनवॉइस मानेंगे प्रॉपर। सर जनरली दो कॉपी बिल का देगा, एक ओरिजिनल कॉपी एक डुप्लीकेट कॉपी, अगर ट्रांसपोर्टर के जाए तो डुप्लीकेट कॉपी, देखो डायरेक्टली माल बेच रहे हैं तो दो कॉपी और अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहे हैं तो तीन कॉपी, ओरिजिनल कॉपी बायर को मिलेगा, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को, ट्रिप्लीकेट कॉपी आप अपने पास रखो, और अगर डायरेक्टली आप ही माल बेच रहे हो कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है बीच में तो दो कॉपी, ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट को यानी बायर को और डुप्लीकेट कॉपी आपके पास, बिल ऑफ सप्लाई उतना कोई पॉइंट नहीं है पढ़ने को, ये सब टॉपिक अब पढ़ने को नहीं है, हो गया। क्या क्या वाउचर में इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो बता रहे हैं, ये पढ़ के आपका कोई फायदा नहीं, छोड़ो। हाँ ये वाला पॉइंट काम का थोड़ा सा, लास्ट क्लास भी पढ़ाए थे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, याद है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? हाँ सर। उसका भी बिलिंग अलग से होगा, मतलब अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अपने ब्रांच को आईटीसी का इनपुट दे रहे हो तो फिर उसका भी प्रॉपर बिलिंग होना चाहिए, हर ब्रांच के नाम से अलग अलग पूरा डिटेल के साथ, ताकि गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर सके। ये सब हो गया, और कुछ पढ़ने को नहीं है, ट्रांसपोर्ट ये सब देखो, ये पूरा बता रहा है कि हर टाइप का बिल कैसा होना चाहिए, कोई पढ़ के काम नहीं आएगा। अब आया ई वे बिल, सर ई वे बिल क्या है, बिलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। देखो भैया एक बात समझ लो, गुड्स ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, आप बिल बना के ट्रांसपोर्टर को दे दिए ठीक है, लेकिन कल को रस्ते में कोई डिपार्टमेंट का आदमी उसको पकड़े, कस्टम डी ऑफिसर या कोई भी रस्ते का टोल नाका पे आदमी, पुलिस का गवर्नमेंट का आदमी लोग, तो सर आपको ऑनलाइन जब माल आपके यहां से निकल रहा है और गुड्स का दाम कितने से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, गुड्स का दाम 50,000 रुपए से ज्यादा है और आप रोड ट्रांसपोर्ट से सामान को कहीं भेज रहे हो, तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल पे जाके,
अलग से भी ऑप्शन है। 50,000 रुपए से ऊपर का वैल्यू का अगर गुड्स है, 50,000 से कम का है तो ईवे बिल नहीं चाहिए। ईवे बिल में आप पूरा डिटेल दोगे, अपना और अपने सप्लायर का, ट्रांसपोर्टर का अपना डिटेल, रिसिपिएंट का डिटेल और ट्रांसपोर्टर का पूरा डिटेल। ऑनलाइन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे, उसका कॉपी निकालोगे प्रिंट आउट, एक कॉपी अपने पास रख लोगे, ट्रांसपोर्टर को दे दोगे। ट्रांसपोर्टर रस्ते में कहीं पर भी ट्रक को रोका जाएगा, वो ईवे बिल शो करके आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया? ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जिसको ईवे बिल। सर अपने स्टेट में 1 लाख रुपीस का होगा ना, मतलब अपने स्टेट में है तो 1 लाख है, अदर स्टेट है तो 50,000 है। लेकिन एक बात होता है, आजकल अपने स्टेट में भी ना लोग 50,000 के बाद, कारण बोले क्योंकि मान लो सिलीगुड़ी से कलकत्ता सामान आ रहा है, रास्ता में टोल टैक्स वगैरह इतना बुझाना कि लोग बोलते हैं 50,000 के ऊपर का भी गुड्स है तो ईवे बिल बना दो, क्योंकि डिपार्टमेंट का लोग पकड़ा तो फिर झमेला करे। इसलिए तो यहाँ पे कहीं भी 1 लाख का बात लिखा नहीं। हाँ सर, तो आप 50,000 याद रखो, आपके काम हो जाए। ईवे बिल का क्या फायदा होगा सर? ये फिजिकल इंटरफेरेंस रहेगा प्रूफ, गुड्स को कोई रोकेगा नहीं रास्ते में, चेकिंग नहीं होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, ट्रक वगैरह को कोई सीज नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और कंसाइनी का पूरा डिटेल रहेगा, तो माल कहाँ जा रहा है इसका प्रूफ भी रहेगा। ठीक है, देखो गुड्स का दाम 50,000 से ऊपर जाता है, ये बात यहां फिर से लिखा, 50,000 से कम का है तो मत बनो कोई बात। इसके अलावा अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो ईवे बिल का कंसेप्ट आ रहा है, अब मेरा नीरज का एक सोफा सेट है, वो कलकत्ता से वो दिल्ली भेज रहा है, क्या उस पर भी ईवे बिल बनेगा? नहीं सर। नहीं, हम जीएसटी रजिस्टर्ड तो नहीं है, बिजनेस में यहाँ पे बात हो रहा है, अदर नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका समरी बताया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स दो फॉर्म भरेगा ईवे बिल में, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए भरेगा जब बिफोर मूवमेंट ऑफ द गुड्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एंड रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंसाइनर है और कंसाइनी हमारे ट्रांसपोर्टर है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का डिटेल वो पार्ट बी में भरेगा। तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल जा रहा है उसका पार्ट बी में डिटेल, पार्ट ए में अपना और गुड्स का डिटेल। मेनली इतना इन्फॉर्मेशन आपके काम का है, बाकी टाइम पास है, उतना नहीं पढ़ने का दरकार। हाँ, कहाँ कहाँ पे ईवे बिल नेसेसरी नहीं है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जा रहा है तब, केरोसिन वगैरह जा रहा है तब, कोई पोस्टल बैगेज यानी पोस्ट ऑफिस को ईवे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा, प्रीसियस मेटल्स वगैरह जा रहा है तब, ज्वेलरी का सामान जा रहा है तब, करेंसी जा रहा है तब, हाउस होल्ड गुड्स जा रहा है तब, जो मेरा वाला एग्जाम्पल था, ये सब में ईवे बिल नहीं जनरेट करना। अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई और से भेज रहे तो ईवे बिल नहीं करनी। ठीक है, इतना ही पढ़ने लायक है ईवे बिल। हाँ, ये काम का बात, ये बात ध्यान रखना, ये काम का पॉइंट है, एक ईवे बिल इज वैलिड फॉर अ पीरियड। ईवे बिल ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वैलिड रहेगा। तो यहां पे क्या बोला, देखो अगर आपका अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब बड़ा बड़ा कार्गो, तो लेस देन 200 किलोमीटर अगर है, तो अगर आप जो माल भेज रहे हो 200 किलोमीटर से कम एरिया में भेज रहे हो, तो एक दिन के लिए ईवे बिल वैलिड होगा। और अगर हर 200 किलोमीटर से ऊपर का जितना बढ़ता जाएगा एक एडिशनल डे बढ़ता जाएगा, मतलब सीधा बात गवर्नमेंट क्या बोलना चाहता है, तुम्हारा ट्रक 200 किलोमीटर एक दिन में कवर कर लेना चाहिए। सर नहीं किया तो, माल कहीं भी अचानक रुक गया तो एक और ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के। समझ में आया? मतलब एक और कुछ नहीं है, वहां इंफॉर्मेशन देगी आपको बिल, ईवे बिल को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, वो ऑटो एक्सटेंड नहीं होगा। और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर से कम के लिए एक, और 20 किलोमीटर से ऊपर के लिए एवरी एडिशनल वन डे। मतलब नॉर्मल केस में 200 किलोमीटर तक एक
दिन के लिए ई वे बिल वैलिड होगा, और अदर के हेवी व्हीकल्स के केस में 20 किलोमीटर के लिए एक दिन वैलिड होगा। ठीक है सर, अगर माल कैंसिल हो गया तो ई वे बिल 24 घंटा के अंदर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब ई वे बिल खाली बना के भूल गए नहीं, कैंसिल भी करना पड़ेगा वरना फंस जाओगे। और यहां पे आपको उतना कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, हो गया हो गया। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटी में कितना टाइप का रिटर्न है, खाली दो चार रिटर्न है जिनका आपको डेट फेट याद रखना है। हाँ पेमेंट ऑफ टैक्स का डेट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, पहला है देखो मेनली अभी दो जीएसटी भरा जा रहा है हर महीना या क्वार्टरली, जीएसटी आर वन एंड थ्री बी, दो ही मेन फॉर्म है जीएसटी आर वन एंड थ्री बी, मेन तो ये दो ही है। तो जीएसटी आर थ्री बी आपको मंथली क्वार्टरली कुछ भी भरना पड़ सकता है, मतलब आपको कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसके ऊपर बात करेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो क्वार्टरली, अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो मंथली, और एक नॉर्मल स्कीम वालों को भी क्वार्टरली का ऑप्शन दिया। आप क्यूआरएमपी स्कीम में चले जाओ, अगले आएंगे अभी 5 मिनट के अंदर भैया आएगा और मोटा मोटी 10-15 मिनट के टॉपिक और चैप्टर खत्म। क्यूआरएमपी बोल के भी एक स्कीम है सर, हम कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना चाहते बट मेरे को क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चाहिए, तो कुछ लोगों को और ये ऑप्शन दिया गया। देखो कंपोजिशन वालों को तो दिया ही गया क्वार्टरली, अदर देन कंपोजिशन को भी बोला गया क्यूआरएमपी फॉर्म भर दो और आपको क्वार्टरली का स्कीम मिल जाएगा। ठीक है तो नॉर्मल लोगों के लिए मंथली जीएसटी का कंसेप्ट है, कंपोजिशन वालों के लिए क्वार्टरली है, और जो नॉर्मल है लेकिन क्यूआरएमपी में खुद को रजिस्टर कर रखे हैं उनके लिए भी क्वार्टरली है। तो जिनके ऊपर क्वार्टरली है उनको क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट 20 तारीख के अंदर, नॉर्मली वालों का बात कर रहे हैं, कंपोजिशन वालों का बात अभी नहीं किया। नॉर्मली वाले अगर मंथली है तो अगले महीना का 20 तारीख के अंदर 3B भरो, और नॉर्मली वाले अगर क्वार्टरली है क्यूआरएमपी के हिसाब से तो क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट 20 तारीख के अंदर रिटर्न फाइल करो। ठीक है सर, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया। मंथली वालों को जो क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं है, नॉर्मल वाले मंथली वालों के लिए 20 तारीख है, नॉर्मल वाले मंथली वालों के लिए 20 तारीख है और क्यूआरएमपी के लिए 22 तारीख, 22 या 24 है। आई रिपीट, पहले नॉर्मली वालों का बात कर रहे हैं, वापस उसको रिपीट कर रहे हैं। नॉर्मली वालों के लिए 3B फाइल करने का टाइम क्या, 3B में क्या भरते हैं अभी 2 मिनट में बता देगा। नॉर्मली वालों के लिए 3B फाइल करने का रेट क्या है, अगर वो मंथली में फॉल करते हैं तो उनके लिए 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जून का रिटर्न कब फाइल करेंगे, जुलाई 20, जुलाई का रिटर्न अगस्त 20। अगर वो क्यूआरएमपी में ले लेते हैं खुद का रजिस्ट्रेशन और उनका टर्न ओवर अप टू 5 करोड़ है तो उनके लिए 22 तारीख है क्वार्टर के अगले महीने का। क्यूआरएमपी के लिए है तो क्वार्टरली, अब डेट का बात करना है। क्यूआरएमपी वालों के लिए अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्न, अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक, तो 22 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और अगर एग्रीगेट टर्न ओवर इज, एक गलती हुआ है, नहीं दोनों के लिए टर्न ओवर अप टू 5 करोड़ है क्यूआरएमपी का स्कीम। एक मिनट रुको, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक से वापस इसको सेटल करके बोलते हैं, वापस आते हैं जहां तक बोले उसको एक बार भूल जाओ। नॉर्मली जो मंथली में है उनके लिए डेट है नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख। क्यूआरएमपी में जो है, क्यूआरएमपी में कौन आ सकता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो लोग जीएसटी का बाकी रूल नॉर्मल फॉलो करना चाहते हैं, बस पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग के क्वार्टरली ऑप्शन चाहते, लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे उन्हीं को ये स्कीम अवेलेबल है। तो कुछ स्टेट है जिनको 22 तारीख का डेट दिया गया, कुछ स्टेट है जिनको 24 तारीख का डेट दिया गया। सर ये जो कैटेगरी वन
27 वाला जो हाँ स्कूटर वो कैटेगरी, वो अलग अलग कैटेगरी वन स्टेट्स है, कैटेगरी वन 27 कुछ नहीं बोले, 27 नीचे नंबर देखने बोल रहे हैं, कैटेगरी वन स्टेट कैटेगरी टू स्टेट बोला है। अच्छा तो आपको ये स्टेट का नाम नंबर याद नहीं करना, कौन सा स्टेट में क्या डेट है वो नहीं याद करना। आपको क्या याद करना है कि जो लोग मंथली स्कीम में है उनके लिए अगले महीने का 20 तारीख डेट है GSTR 3B फाइल करने का, ठीक है। जो लोग QRMP में, तो QRMP में कौन हो सकता है जिसका टर्न ओवर अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ से नीचे टर्न ओवर है या 5 करोड़ तक है, वही QRMP का स्कीम ले सकते हैं। मतलब उनके ऊपर GST का बाकी सारा रूल नॉर्मल होगा, बस रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट के लिए मंथली की जगह क्वार्टरली का टाइम मिल जाएगा। तो जो कैटेगरी वन स्टेट में बिलोंग करते हैं उनके लिए 22 तारीख, जो कैटेगरी टू स्टेट में बिलोंग करते हैं उनके लिए 24 तारीख। अब ठीक, यस सर। और सर जो लोग कंपोजिशन स्कीम में उनके लिए तो क्वार्टरली ऑप्शन है ही, और उनके लिए भी यही है, जो कैटेगरी वन को बिलोंग करते हैं 22 तारीख, कैटेगरी टू को बिलोंग करते हैं 24 तारीख। समझ में आ गया? जो लोग नॉर्मल स्कीम में मंथली में है उनके लिए अगले महीने का 20 तारीख, जो लोग नॉर्मल स्कीम में QRMP में है कुछ स्टेट में 22, कुछ स्टेट में 24, और जो लोग कंपोजिशन लेवी में है उनके लिए भी क्वार्टरली है, कुछ स्टेट में 22, कुछ स्टेट में 24। क्वार्टर खत्म हुआ उसके अगले महीने का बात कर रहे हैं। आई होप जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो क्लियर है। यस सर। सर GSTR 3B में भरते क्या है बेटा? पहले GSTR 1 में क्या भरते हैं वो बता देते हैं, फिर 3B में बोल देते हैं। GSTR 1 में हम अपना पूरा सेल डिटेल भरते हैं, सेल क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये सब, और 3B में फिर एक रिटर्न पहले भरना पड़ता था GSTR 2, जो अब नहीं भरना पड़ता। 2B ऑटो पॉपुलेट होता है, ऑटो जनरेट होता है, उसमें मेरा पूरा ITC का इनपुट दिखाई देता है, पूरा इनपुट दिखाई देता है उसके अंदर, और वही इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो 3B में फाइल होता है। तो GSTR 1 में आप सेल का डिटेल भरते हैं सर, GSTR 2B में इनपुट डिटेल आता है, वो ऑटो जनरेट होता है, पहले भरना पड़ता था मेरे को, पूरा परचेज डिटेल भी भरना पड़ता था गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट बोला जिनसे तुम परचेज कर रहे हो वो तो अपना सेल डिटेल भरे ही होंगे ना बेटा, तो वही लोगों से आपका ऑटो जनरेट हो जाएगा, आपको 2B अब भरना नहीं, 2A और 2B है वो ऑटो जनरेट हो, तो 2A 2B इनपुट का है वो ऑटो जनरेट होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। GSTR 1 में आपको अपना सेल डिटेल भरना पड़ता है, और 3B में इनपुट आउटपुट एडजस्ट होके पेमेंट वगैरह का इंफॉर्मेशन भरा जाता है, मतलब ITC क्लेम होता है, ठीक है जी सर। अब GSTR 1 कब भरना होता है सर? अगर आप QRMP स्कीम में है तो नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख तक, नॉट QRMP में, सॉरी, अगर आप नॉट QRMP में, और अगर आप QRMP में तो क्वार्टर के अगले महीने का 13 तारीख, और अगर आप कंपोजिशन में है तो भी क्वार्टर के अगले महीने का 13 तारीख। बात क्लियर? मतलब QRMP और कंपोजिशन के लिए डेट एक ही है, स्टेट वाइज 3B हो या 1 हो, खाली नॉर्मल के लिए डेट अलग है। सर यहां पर एक और स्टेटमेंट बता रहा, IFF। देखो बेटा, हम QRMP में मान लो, अब प्रॉब्लम क्या होने लग गया, बात सुनना आखिरी पॉइंट पे, हम लोग प्रॉब्लम क्या होने लग गया था, हम QRMP में हम तो क्वार्टरली भरेगा, या हम कंपोजिशन में हम तो क्वार्टरली भरेगा, कंपोजिशन में छोड़ दो क्वार्टरली, QRMP तो पकड़ो, हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। जब हम क्वार्टरली भर रहे हैं GSTR 1 और 3B, तो मेरा जो पार्टी है जिसको हम माल बेचे हैं वो इनपुट भी तो क्वार्टरली क्लेम कर पाएगा ना, जब हम अपना सेल डिटेल क्वार्टरली भरेगा तो वो भी तो क्वार्टरली क्लेम कर पाएगा इनपुट, है ना? हाँ सर। तो यहां मेरा पार्टी को होने लग गया प्रॉब्लम, बोलता भाई तुम तो क्वार्टरली भरता है, तुम तो पेमेंट भी क्वार्टरली करते, पर हम तो क्वार्टरली स्कीम में नहीं, हम तो मंथली स्कीम में है, अब हम क्यों क्वार्टर तक वेट करें इनपुट क्लेम का? बात समझ रहे हो? हम जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं वो मंथली स्कीम में है, और हम क्वार्टरली वाला में, QRMP में।
तो 15 हो गया ना। अब मेरा पार्टी बोलता है तुमसे माल नहीं लेंगे क्योंकि तुम क्वार्टरली डिटेल भरते हैं जीएसटी आर वन का, तो 3 महीना में तुम एक बार डिटेल भरते, हम भी 3 महीने के बाद ही क्लेम कर सकते हैं क्योंकि जब हम भरेगा तभी वो क्लेम कर पाएगा, उसके टू बी में तभी शो करेगा जब हम डिटेल भरेगा। जब तक हम डिटेल ही नहीं डालेगा अपने सेल का, उसके परचेज में शो ही नहीं करेगा, तो वो कैसे इनपुट क्लेम करे, क्योंकि टू बी तो ऑटो जनरेट होता है। तो वो मेरे से माल लेने से कतराने लग गया, बोलता तुमसे माल नहीं लेंगे भाई, तुम बड़ा दिक्कत करते। हम गवर्नमेंट को बोला भाई ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया, हम मंथली में भी नहीं आना चाहता क्योंकि मेरे को मंथली में दिक्कत है, हम क्यूआरएमपी में ही रहना चाहते हैं, बट मेरा व्यापारी बोल रहा है कि हम तुमसे माल लेंगे नहीं क्योंकि वो मंथली में है, वो इनपुट नहीं क्लेम कर पा रहा मेरे कारण, मेरे कारण उसको क्वार्टर क्वार्टर इनपुट का वेट करना पड़ता है क्योंकि वो अपना हर महीना जीएसटी पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है एक काम करो, तुम क्यूआरएमपी में ही रहो, तुम क्वार्टरली भरना, लेकिन तुम हर महीने एक आईएफए बोल के फॉर्म भर दो जिसमें खाली अपना सेल का डिटेल भर देना उस महीने का, पेमेंट क्वार्टरली करना तुम, तेरा 3वीं क्वार्टरली भरना तुम, हर महीने एक जीएसटी आर वन की जगह आईएफए भर देना ताकि तुम्हारा पार्टी का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चला जाए कि तुम किसको हर महीना माल बेच रहे हैं, उसको हम लोग इनपुट दे देंगे, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व, हम क्वार्टरली में ही रह गया और वो आराम से मंथली में क्लेम कर पाएगा। तो जो लोग क्यूआरएमपी में रहते हैं उनको हर महीना आईएफए भरने का ऑप्शन है, हम भरे या नहीं भरे मेरा चॉइस है, नहीं भरेंगे मेरा पार्टी क्लेम नहीं कर पाएगा, खाली सेल का डिटेल भर देंगे तो वो क्लेम कर पाएगा। बात क्लियर है? तो पहला 2 महीना हम आईएफए भर देंगे और जो थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर आएगा उसमें प्रॉपर जीएसटी आर वन भर देंगे। ये बात क्लियर है? बस इतना ही जानना है आपको। जीएसटी आर फोर कौन भरता है? जो कंपोजिशन टैक्स में होता है, क्योंकि उसका सब कुछ क्वार्टरली है, उसके लिए अगले महीने का 18 तारीख तक का डेट है। तो उसको वैसे भी एक बात बताओ, जो कंपोजिशन स्कीम में है बेटा उसको इनपुट क्लेम करने मिलेगा क्या? नहीं। उसको उसका पार्टी को इनपुट क्लेम करने मिलेगा क्या जिसको वो माल बेच रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो पार्टी से रजिस्ट्री ले ही नहीं रहा जो कंपोजिशन स्कीम में, वो तो वो 1% या 5% या 6% अपनी जेब से भर दे रहे हैं, है ना? हम कंपोजिशन स्कीम में है बेटा, न तो मेरे को इनपुट क्लेम करना है न मेरे को पार्टी से जीएसटी कलेक्ट करके जमा करना है, जीएसटी भी मेरे को मेरी जेब से भरना है, मतलब मेरा पार्टी भी इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट बोला तुम्हारा ज्यादा झमेला नहीं रखते, तुम एक ही जीएसटी आर फोर भरना, वो भी क्वार्टर खत्म होने की अगला महीने की 18 तारीख के अंदर, और ऐश करना। जीएसटी आर फाइव नॉन रेसिडेंट भरते हैं, जो ऑनलाइन इन्फो सेल करता है वो लोग जीएसटी आर फाइव ए भरता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वालों को जीएसटी आर सिक्स भरना पड़ता है, जिनका टीडीएस कट रहा है जीएसटी में उनको जीएसटी आर सेवन भरना पड़ता है। सबका डेट अलग अलग है, इतना डेट मत याद करो, ये वाला याद करो, जीएसटी आर नाइन ए नाइन सी क्या है। देखो बेटा आप मंथली मंथली या क्वार्टरली क्वार्टरली तो भर ही रहे हो, साल खत्म होने के बाद अगले साल 31 दिसंबर के अंदर अंदर, मतलब मेरा साल खत्म हुआ 2024 मार्च, तो दिसंबर 2024 तक मेरे को एक बार पिछले पूरे साल का डिटेल भी एक बार दोबारा भरना है। ये ऑप्शनल है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है उनको नहीं भरना है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है उनको भरना ही होता है, 2 करोड़ के नीचे भी भर सकते हैं, चॉइस पे है। मतलब एक एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ेगा मंथली मंथली के बाद या क्वार्टरली क्वार्टरली के बाद, चाहे कितना रिटर्न फाइल करवाएंगे, करवा रहे डिपार्टमेंट, क्या कर सकते। तो मंथली मंथली तो भर ही दिए, फिर पूरे साल का भी एक बार दोबारा भरना, इतना ही पॉइंट है यहाँ पे, और ये सब कुछ उतना पढ़ने को नहीं है फॉर्म्स के केस में, ये सब एक एक फॉर्म समझाया है दोबारा आपको, उसका माथापच्ची नहीं करना है आपको, खाली वो पेमेंट का डेट से याद रखना एमसीक्यू के लिए, ये सब सारा फॉर्म का डिटेल समझाया एक एक करके, वो क्यूआरएमपी हेन तेन सब बताया है, जो ऊपर बता दिए उतना ही काम का आपके। अरे पेमेंट का काम है,
ओ अच्छा, पेमेंट तो 3 बिल के साथ ही होता है ना। हाँ तो आपको वही 20 तारीख के अंदर या 22 तारीख के अंदर या 24 तारीख के अंदर पेमेंट करना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पेमेंट फाइल कुछ नहीं पड़ने को। क्यों, 3B की 3B फाइल होगा ना, जब 3B फाइल का डेट क्या है मंथली वालों के लिए 20 तारीख, QRMP वालों के लिए 22 या 24, और जो लोग कंपोजिशन लेवल में उनका क्वार्टर का अगला महीने का 18 तारीख, उनको उसी डेट के पहले पहले GST जमा कर दे, तभी वो लोग 3B फाइल कर पाएंगे, वरना 3B सबमिट नहीं लेगा अगर आपका पेमेंट बनता है तो। अगर आपका पेमेंट बनता है तो आपका 3B सबमिट नहीं लेगा, ठीक है। ये देखो यहां पे बताया ये, और किसका किससे एडजस्टमेंट होगा वो दोबारा बताए तो वो आपको पता है, CGST, GST किससे किससे एडजस्ट हो सकता है वो अपने पढ़े हैं, तो वो दोबारा नहीं पढ़ना है। मोटा मोटी होगी कौन किससे एडजस्ट हो सकता है वही समझाए, हो गया, वी आर डन। खाली सम्स है और MCQs है, वो आप लोग करना, अपने लोग साथ में भी करेंगे क्वेश्चन आंसर मेरा।